ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आप वीक वन इंजॉय कर चुके हैं। अब आपने जावा फंडामेंटल्स को रिवाइज कर लिया, सबलाइम को एक्सप्लोर कर लिया। तो आपने देखा है कि सबलाइम के अंदर डायरेक्ट कंपाइलेशन का ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन डायरेक्ट कोड रनिंग या एग्जीक्यूशन का ऑप्शन नहीं है। तो कोड रनिंग के लिए आज हम एक एक्सटेंशन एड इन करेंगे अपने सबलाइम में। तो उसके लिए सबसे पहले सबलाइम को ओपन करते हैं। सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करके आप एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन प्रेस करते हो। अभी आपकी फाइल अनटाइटल्ड है, तो इसको इसका नेम वगैरह स्पेसिफाई करने के लिए कंट्रोल एस का बटन प्रेस किया शॉर्टकट की। आफ्टर दैट आप डिसाइड करते हो कि आपने इसको किस डायरेक्टरी में, सब फोल्डर वगैरह में सेव करना है। तो मैं अपना स्पेसिफाइड फोल्डर चूज करके कुछ भी रैंडम सा नेम रख रही हूँ। लेट्स से हेलो वर्ल्ड, ये आपकी फाइल का नाम है। अब आपको पता है कि सबलाइम बेसिकली आपका टेक्स्ट एडिटर ही है, जिसमें आप डॉट PHP फाइल, HTML, CSS एंड ऑल दैट जो है वो इसके अंदर सेव एंड रन वगैरह कंपाइल वगैरह कर सकते हो। तो आपने अभी जावा फाइल के ऊपर वर्क करना है, तो आप इसकी एक्सटेंशन सेट करोगे डॉट जावा, और टाइप में ऑल फाइल्स ही रहने दीजिए अभी के लिए। ऑल दो यहाँ पर डॉट डायरेक्ट जावा का ऑप्शन भी मौजूद है, तो अभी ऑल फाइल्स के साथ चलते हैं, आपकी फाइल सेव होगी। तो सिंपली ये डेमो कोड जो है वो लिख लेते हैं। हमें याद है हम सबसे पहले क्लास लिखा करते थे, तो क्लास का नेम एज पर फाइल नेम हुआ करता था। यहाँ पर आपने स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, अपर केस लोअर केस का खास ख्याल रखना है। पब्लिक के अंदर हम क्लास के अंदर हम बेसिकली नेस्ट किया करते थे किस चीज़ को, अपने मेन मेथड को। और मेन मेथड बेसिकली आपके कंपाइलर का एंट्री पॉइंट है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इन डिटेल इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है प्लेलिस्ट I2P में, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। ओके तो ये बेसिकली आपका मेन मेथड का हेडर हो गया। मेन की बॉडी में हम क्या करना चाह रहे हैं, सिंपली कोई भी मैसेज जो है डिस्प्ले करवा देते हैं। अभी के लिए हमने जस्ट कोड को कंपाइल एंड रन करके देखना है। प्रिंट LN, ओके हेलो वर्ल्ड, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सेमी कॉलन इंटेंशनली जो है एक्सक्लूड कर रही हूँ। देखते हैं कि क्या ये वाकई एरर को डिटेक्ट करता है। कंपाइलेशन का यही मतलब है ना कि एरर डिटेक्शन होगी एंड ऑल दैट। ओके, सबसे पहले बिल्ड सिस्टम करते हैं। आपके सिस्टम्स में अगर ऑटोमेटिक यहाँ पर टिक हुआ हुआ है, तो आप इसको ऑटोमेटिक से हटाकर जावा सी के ऊपर ले आओ। यहाँ आपने जावा सी को पहले मार्क करना है, देन आप इसको बिल्ड करोगे। तो बिल्ड करने के लिए आप मैनुअली टूल्स से बिल्ड में आ सकते हो, या कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हो। तो देखते हैं वो उसको क्या आउटपुट देता है। उसने क्या कहा, जैसे आपका पहला पैटर्न था कि आप क्या करते थे, CMD की ब्लैक स्क्रीन पे ऑब्जर्व किया करते थे कि आउटपुट क्या कहता है। कि एक एरर है, एरर क्या है, लाइन नंबर 5 पर एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन जो हमने इंटेंशनली जो है वो ओमिट किया। अब हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, अपने कोड को करेक्ट करके सेव करते हैं, और अगेन इसको कंट्रोल भी। तो देखते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है या नहीं। ओके, हम ये चाह रहे थे कि हेलो वर्ल्ड जो है वो भी हमें स्क्रीन पर डिस्प्लेड आएगा, लेकिन नहीं, ये सिर्फ उसने अपना कंपाइलेशन टाइम बताया कि 2.3 सेकेंड्स में मैंने कंपाइलेशन कंप्लीट की। लाइक कंट्रोल बी से जस्ट कंपाइलेशन जो है वो सक्सेसफुल हुई है, अभी तक हमारी रनिंग या एग्जीक्यूशन नहीं। रनिंग के लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, बिल्ड सिस्टम में जाकर अपना एक न्यू सिस्टम बिल्ड कर लेंगे। आप न्यू सिस्टम में क्या करोगे, आपके पास एक सबलाइम डॉट सबलाइम बिल्ड एक्सटेंशन की फाइल खुलेगी, जिसका अभी नाम आपने स्पेसिफाई नहीं किया। इसका कोड जो है आप देख रहे हो अभी कुछ इस तरह से है, कुछ डिफॉल्ट कोड है। इसके अंदर बेसिकली आपने कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं इस सारे को इरेज कर रही हूँ, और जो इसमें पेस्ट करना है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ। ये बेसिकली क्या करेगा आपके, अगर आप इसको टेक्निकली देखो तो आप क्या करेगा कि आपके सबलाइम में से डायरेक्टली CMD को स्टार्ट कर देगा। तो आपका आउटपुट जो है वो डेफिनेटली ब्लैक स्क्रीन पर ही नज़र आएगा, लेकिन आपको उसको खुद से जाकर पाथ वगैरह सेट करके, अलग से कमांड्स देकर जो है वो मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपका डायरेक्ट रनिंग जो है वो पॉसिबल हो गई। इसको कंट्रोल एस करते हैं, सेव करना है, तो इसको खुद से किसी भी नाम के साथ सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी का कुछ भी नाम हो सकता है। अब हमें याद है कि जावा सी कमांड जो थी वो कंपाइलेशन के लिए, तो जो कि टूल्स में आपको ऑलरेडी नज़र आ रही है। रनिंग के लिए हम जावा कमांड यूज़ किया करते थे, तो हम यहाँ पे सिंपली जावा लिख लेते हैं। याद रहे कि यहाँ पर डॉट सबलाइम डैश बिल्ड जो है एक्सटेंशन मस्ट रहेगी, क्योंकि ये हमने बेसिकली इसका बिल्ड जो है वो एक क्रिएट किया है, सिस्टम बिल्ड जो है कस्टमाइज्ड बनाया है। तो ये चीज़ आपने फाइल का नेम नोट कर लिया, इसको एज इट इज़ लिखिएगा, ठीक है। नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन जो है इसको ओमिट नहीं करना है। इसको सेव करते हैं, फाइल आपकी सेव हो गई। अब हम कोड में जाते हैं और टूल्स में से जाकर
मेन्यू बार में से आप टूल्स सिलेक्ट कीजिए, बिल्ड सिस्टम में से आप कहें कि जी हमने जावा फाइल को कंपाइल नहीं करना, हमने इसको रन भी करना। पहले आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे जावा का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था क्योंकि आपने ये सिस्टम बिल्ड नहीं किया हुआ था। अब हमने सिस्टम बिल्ड कर लिया, अब हमारे पास रेडीमेड एक्सटेंशन में से एक जावा एक्सटेंशन भी आ रही है, अब हम इसको मार्क करके अपने कोड को बिल्ड करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, कंट्रोल बी और ये ब्लैक स्क्रीन पे आउटपुट पे आ गया। तो सिंपली हम यही चाहते थे कि हमारा सिंपल एक ही कमांड से कोड जो है वो कंपाइल भी हो जाए और रन भी हो जाए। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस कर रही हूँ और आप देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास ब्लैक स्क्रीन पर आउटपुट पे आ गया। तो अब हम सीएमडी लाइक सब लाइन में से कोड को कंपाइल करने के इनेबल भी हो गए और इसको डायरेक्टली रन करने के इनेबल भी हो गए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर रेस्ट ऑफ योर प्रैक्टिसेस।